हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। 22 मई 2020, 972 सालों बाद शनि जयंती। जानिए किन दो राशियों पर रहेगी शनि की विशेष नजर। शनि जयंती हिंदू पंचांग के ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाई जाती है। इस दिन शनि देव की पूजा की जाती है। शनि देव सूर्य और छाया के पुत्र हैं। इनका जन्म ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को हुआ था। विशेषकर शनि की साढ़ी साथी शनि की ढैया व शनि दोष से पीड़ित जातकों के लिए यह दिन बहुत ही खास माना जाता है। साल 2020 में 22 मई को शनि जयंती पड़ रही है और इस बार शनि जयंती पर करीब 972 सालों बाद चार ग्रहों का ऐसा शुभ योग बनेगा जिसका सभी 12 राशियों पर जबरदस्त और खास प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं किन राशियों पर रहेगी शनि की विशेष नजर। मेष राशि, साल 2020 शनि जयंती पर बनने वाले इस शुभ योग के चलते आपको भूमि, भवन व प्रॉपर्टी जैसे कार्यों में सफलता मिलने के योग है। हालांकि आपको परिवार के सदस्यों की सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। वृषभ राशि, शनिदेव की कृपा से इस शुभ योग के कारण आपको इस समय भागदौड़ तो अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन इन यात्राओं के परिणाम स्वरूप आपको अच्छा धन लाभ होने के संकेत हैं। मिथुन राशि, आपके लिए 972 सालों बाद आ रही यह शनि जयंती सामान्य फल देने वाली होगी। अगर आप चाहें तो अपनी मेहनत के चलते अपनी सूझबूझ से सफलता हासिल करने में कामयाब रहेंगे। कर्क राशि, शनि जयंती पर इस बार चार ग्रहों का एक साथ होना आपके लिए भी सामान्य ही रहेगा। खर्चों में अधिकता रहेगी, लेकिन कुछ रास्तों से आपको धन लाभ भी हो सकता है। ये समय करियर में उतार चढ़ाव की संभावनाओं का है। सिंह राशि, शनि जयंती के विशेष मौके पर ग्रहों का एक साथ होना अचानक आपके लिए जिम्मेदारियों को बढ़ाने के साथ ही धन लाभ कमाने और आपके कुछ काम बनाने का भी हो सकता है। कन्या राशि, शनि कर्म फलदाता है, इसीलिए इस समय आपको आपके कर्मों का बढ़िया फल मिलेगा। साथ ही भाग्य भी आपका साथ देगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। तुला राशि, शनि जयंती के मौके पर चार ग्रहों का एक साथ होना आपकी राशि में व्यर्थ की चिंता बढ़ाने वाला होगा। पारिवारिक माहौल सुखमय रहेगा। करियर में कुछ नया करने की सोच सकते हैं। वृश्चिक राशि, इस समय आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत है। आपकी किस्मत आप पर मेहरबान रहेगी। लाभ मिलने के आसार हैं। रुके हुए काम फिर से बनने लगेंगे। किसी भी विवाद में पड़ने से बचें। धनु राशि, इस समय आपको करियर में सफलता हासिल करने के लिए बहुत अधिक मेहनत की जरूरत होगी। खर्च अधिक रहेंगे। परिवार के भविष्य की चिंता आपको सता सकती है। मकर राशि, समय आपके लिए कड़ी चुनौतियां लेकर आएगा। खासकर करियर में आपको बेहद सतर्क रहकर कार्य करना होगा। किसी के उकसावे में ना आए और सीनियर से बहस करने से बचें। आज शनि जयंती पर शनिदेव की विशेष पूजा करें। कुंभ राशि, आपकी राशि पर शनि की विशेष नजर रहेगी। ये समय धन लाभ कमाने के कई अवसर लेकर आएगा, इसलिए इन अवसरों को पहचानते हुए पूरा लाभ लेने की कोशिश करें। सेहत के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें। व्यर्थ की चिंता से बचें। मीन राशि के जातकों के लिए ये समय कुछ आर्थिक परेशानियों का रहेगा, लेकिन आप अपने आत्मविश्वास से अपने रुके हुए काम पूरे करेंगे। पार्टनर आपकी जरूरतों का ख्याल रखेंगे। कुछ जरूरी काम पूरे करने के लिए आपको थोड़ा अधिक मेहनत करनी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हों तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।